हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम खेलने वाले हैं GT5। तो दोस्तों, आप सभी को याद ही होगा कि अब हम दो तीन दिन से बिग माफिया की सीरीज को चला रहे हैं। तो दोस्तों, आज हमारी बिग माफिया की सीरीज का एंड है, यानी कि दोस्तों आज के दिन हम मारने वाले हैं बिग माफिया को। तो दोस्तों, अगर आपने वो पिछले वाली इस सीरीज की पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो देख लेना, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और आज की वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप सबने देख ही लिया होगा कि जो फ्रैंकलिन अभी अभी लेस्टर से बात कर कर आ रहा है। तो दोस्तों, हमने एक मीटिंग रखी है जहाँ पर हमने बिग माफिया के छोटे भाई को टॉर्चर किया था। वहाँ पर तो हम लैमर को लेने जा रहे हैं, क्योंकि इस मीटिंग में हमारे साथ लैमर भी जुड़ रहा है। तो जल्दी से हम लैमर के घर पर पहुँच जाते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों, हम लैमर के घर पर पहुँच गए हैं और ये खड़ा लैमर, इसको भी बिठा लेते हैं अपनी मोटरसाइकिल पर। तो दोस्तों, जो फ्रैंकलिन और लैमर हैं, ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। और जो माइकल और ट्रेवर है वो पहले ही वहाँ पर पहुँच चुके हैं, तो हम भी पहुँच जाते हैं जल्दी जल्दी, तो क्योंकि हमने बहुत बड़ा प्लान बनाया है। तो देख सकते हो दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं उसी जगह पर जहाँ पर हमने बिग माफिया के भाई को मारा था। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी वो भी देख लेना, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि हम आपके लिए ऐसी सीरीज और लाते रहें। तो जल्दी से अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या बात हो रही है। देखो भाई, कितनी बड़ी फैक्ट्री है। हमने बिग माफिया के भाई को दूसरे कमरे में टॉर्चर किया था। ये देखो भाई, कितनी बड़ी फैक्ट्री है। लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा है देख सकते हैं दोस्तों, जो ट्रेवर और माइकल एक दूसरे पर गन एम कर रहे हैं। मुझे लगता है एक दूसरे को मार ना दें, तो जल्दी से जाके उनको समझौता कराते हैं पहले, फिर आगे की बात करेंगे। देख सकते हैं कैसे एक दूसरे की तरफ गन पॉइंट कर रहे हैं, मुझे लगता है एक दूसरे को मार ही ना दें। तो दोस्तों, इनका समझौता हो चुका है और हमें पता चल चुका है कि बाहर एक बहुत ही बड़ी गैंग आ चुकी है। उसमें एफआईबी और मेरीवेदर के जो गुंडे हैं वो भी शामिल हैं। तो जल्दी से हम तीनों को पोजीशन पर खड़ा देते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, जो गुंडे हैं उनकी आवाज़ आनी शुरू हो चुकी है। देख सकते हैं दोस्तों, जो स्वैट की टीम है वो भी आ चुकी है। पहले तो चार बंदे ही आए हैं, मुझे लगता है चार पांच ही आएंगे, लेकिन पूरी गैंग भी हो सकती है। देख सकते हैं दोस्तों, इधर से भी आ गए हैं, सारी तरफ से हमको घेर लिया है। अभी हमने सभी को मारना होगा, तो सभी को पहले मार देते हैं। देख सकते हैं एकदम से गोली चलानी, कहाँ कहाँ से आ रही है। अभी देखो कितने बंदे आ रहे हैं। तो अभी हमारे पास तीनों भाई, लैमर बाहर अकेला खड़ा है, मुझे लगता है उसको भी मारना दे, कहीं उसकी भी हेल्प करनी होगी अभी हमें। लेकिन उसके पास एक गन छोड़ दी थी हमने पहले ही, हमें पता था कि ऐसे कुछ होने वाला है। देख सकते हो दोस्तों, हमने काफ़ी लोगों को मार दिया है लेकिन अभी तक आने बंद नहीं हुए हैं। इसको भी मार देते हैं, और एक ये रहा, इसको भी टपका देते हैं यहाँ से। तो जल्दी से चलते हैं अब ट्रैवर के पास। देख सकते हो दोस्तों, ट्रैवर के पास भी कितने गुंडे आ चुके हैं, बिल्कुल नीचे ही खड़े हैं इसके। तो देख सकते हो दोस्तों, कितने आ रहे हैं, ये मेरीवेदर के गुंडे हैं, ये भी मुझे लगता है बिग माफिया के साथ हैं। तो हम तीनों को मारने के लिए बिग माफिया ने भेजे हैं सभी गुंडे। तो उसको पता चल चुका है कि बिग माफिया के भाई को हमने मारा था, लेकिन अभी तक और किसी को नहीं पता चल चुका पता है कि हम बिग माफिया के भाई को हमने मारा था। देखो दोस्तों, कितने गुंडे आ चुके हैं, सभी को मारना पड़ेगा अभी हमें। तो जल्दी से बाहर चलते हैं दोस्तों, क्योंकि लैमर खतरे में है, उसने हमको फ़ोन किया है कि वो खतरे में। देख सकते हैं दोस्तों, ये रहा लैमर, और बाहर देखो भाई कितने गाड़ियाँ आ रही हैं। तो इस गाड़ी को उड़ा देते हैं सबसे पहले। तो देख सकते हो दोस्तों, हमने पूरी गाड़ी की गाड़ी उड़ा दी, और बाकी को भी मार देते हैं जितने भी लोग हैं यहाँ पर। अभी गन सेलेक्ट कर लेते हैं और इनको भी मार देते हैं। तो माइकल देख सकते हो दोस्तों, मशीन गन ले खड़ा है, जो भी आ रहा है उसको मारे जा रहा है। देखो भाई, गाड़ी भी उड़ा दी, एक हेलीकॉप्टर आ चुका है दोस्तों, देख सकते हो। और जो माइकल मरने वाला है लेकिन बच गया, देख सकते हो दोस्तों, जो माइकल है उसकी लाइफ कितनी कम हो चुकी है, बिल्कुल मरने वाला। तो इसके अंदर चल जाते हैं, और जो ड्राइवर देखो भाई कहाँ खड़ा है, इसके आस पास कितने बंदे हैं। तो जल्दी से ऊपर चलते हैं, कहीं ड्राइवर ना मर जाए हमारा। जल्दी से ऊपर चलते हैं और जहाँ पर छिप जाते हैं, क्योंकि भाई ड्राइवर के पास इतनी गन चलाने की अबिलिटी नहीं है। तो देख सकते हो, जो माइकल है सभी बंदों को कितनी अच्छे से बेर रहा है। एक ये खड़ा भाई, देखो इसको भी मार दिया बिल्कुल नज़दीक से। और जो फ्रैंकलिन है सारी गाड़ियाँ उड़ा रहा है भाई, दो तीन गाड़ियाँ तो इसने उड़ा दी। अभी मुझे लगता है कोई गाड़ी नहीं आएगी, लेकिन आगे तीन चार बंदे हो रहे हैं, उनको भी बेल देते हैं। देखो भाई, वो उड़ा, टैंकर को उड़ा देते हैं। देखो भाई, टैंकर को भी उड़ा दिया, गाड़ी और आ रही है हमारी तरफ दोस्तों, एक गाड़ी आ रही है। तो हम गन सेलेक्ट कर लेते हैं पहले, देख सकते हो वो आ रही है हमारी गाड़ी की तरफ। तो हम मशीन गन सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको उड़ा देते हैं। थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्योंकि अगर फट गई तो देख सकते हो फट गई, क्या फट गई इसकी गाड़ी की। तो देख सकते हो दोस्तों, सभी बंदों को मार दिया और इनकी समझौता हो चुका है। अभी हम चलते हैं आगे। तो दोस्तों, अभी हमने तीनों और बंदों को मारना है जो कि मेन है। तो पहले हम सीधा चलते हैं ड्राइवर के पास, क्योंकि दोस्तों जो रिपोर्टर है, एक रिपोर्टर है लॉस सैंटोस का, आप जानते होंगे, उसका नाम स्टीव है, जिसने बिग माफिया को पकड़ने में हमारी मदद की थी और उसको सारी कहानी बताया।
और एक रिपोर्टर के सामने वो सारा कुछ बताने वाला है सारे लॉस सेंटोस को। तो जल्दी से चलते हैं और उसको मार देते हैं, क्योंकि अगर उसने बता दिया तो बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा। देखो दोस्तों, जो चंडोल दिख रही है आपको, उसमें बैठा है वो, पूरी सिक्योरिटी, उसके आसपास भी पुलिस है, देख सकते हो दोस्तों, आसपास भी पुलिस है उसके। लेकिन हम AWM गन सेलेक्ट कर लेते हैं और बिल्कुल चुपके चुपके उसको मार देंगे, देख सकते हो दोस्तों। अभी हम आपको दिखाता हूँ, देखो दोस्तों, ये रहा वो रिपोर्टर और ये रहा वो, देख सकते हो दोस्तों, ये रहा, आपने पिछली वीडियो में देखा ही होगा, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो देख लेना। देखो भाई, हमने सीधा इसको मारना है, हेड शॉट मारना है इसको। और अभी हम कैसे मारें, ये तो दिख भी नहीं रहा, थोड़ा मोटा तो दिखेगा ही, अब दिखने वाला है मुझे लगता है, वो आ गया भाई, इसको अभी मारना पड़ेगा, और मार देते हैं दोस्तों। तो हमने इसको मार दिया है, अभी सीधा चलते हैं हमारी गाड़ी में, हमारे पीछे पुलिस पड़ चुकी है, अभी हमें पुलिस भी हटानी पड़ेगी। तो दोस्तों जो पुलिस है वो हमने हटा ली है, सीधा हम चलते हैं हमारी फ्रैंकलिन के पास, क्योंकि दोस्तों जो बिग माफी की फैमिली है, यानी कि उसे और फैमिली मेम्बर्स हैं, वो पूरी गैंग के साथ जा रहे हैं कहीं पर, तो हमें उसी को भी मारना पड़ेगा, क्योंकि आई नहीं पता, ऐसे नहीं पता कि अगर हमने बिग माफी को मार दिया तो उसकी फैमिली से हमें कोई मारने आ जाए। तो देख सकते हो दोस्तों, जो तीन गाड़ियाँ दिख रही हैं, ये रही उसकी फैमिली, देख सकते हो, पहली दो गाड़ी में तो सिक्योरिटी है, अब बीच वाली गाड़ी है जो उसमें उसकी फैमिली बैठी है, तो उसको उड़ा देते हैं, इस पर भी स्टिकी बम लगा देते हैं, जहाँ पर नहीं लगा क्योंकि गाड़ी बहुत तेज जा रही है, और इसको भी लगा देते हैं स्टिकी बम, तो आगे गाड़ी जा रही है, हम स्पेशल बेल्ट यूज़ कर देते हैं, तो इस पर भी नहीं लगा, इस पर तो लगा ही देंगे अभी हम, सिर्फ एक गाड़ी रह गई अब स्टिकी बम लगाने के बिना। देखो दोस्तों, इस पर भी लगा देते हैं, फेक तो दिया है, लग जाएगा, अभी हम बटन दबा देते हैं। देखो दोस्तों, जो इसकी फैमिली है सारी उड़ चुकी है, जरा सा काम था हमें, बिल्कुल थोड़ा सा काम ही था। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं सीधा ड्राइवर के पास, तो दोस्तों ये देख सकते हो, ये बिग माफिया का घर है, कितना बड़ा घर है दोस्तों, देखो बीच में स्विमिंग पूल, और कितने गुंडे हैं इसके घर पर, अभी हमें सभी सभी को मारना पड़ेगा। तो दोस्तों देख सकते हो, ये रहे गुंडे, ये रहा बिग माफिया, कितनी ऐश ऐश कर रहा है यहाँ पर, तो हमें इसको किडनैप करना है यहाँ पे। तो जल्दी से गाड़ी को ऊपर ले चलते हैं, और ऊपर से AWM गोली से मारेंगे सबको। तो जल्दी से जहाँ पर खड़ा देते हैं अपनी गाड़ी को, और इसके ऊपर चढ़ जाते हैं, क्योंकि जो बंदे हैं बहुत दूर हैं, और हम ऊंचाई से मारेंगे सभी को। तो देख सकते हो दोस्तों, एक तो ये रहा, इसको मार देते हैं, एक ही गोली में मारना पड़ेगा, इसको भी मार दिया, मर गया मेरे हिसाब से, मर गया भाई, एक तो मार दिया, लेकिन और कोई दिख नहीं रहा मुझको यहाँ पर, हो सकता है यहाँ पर तो नहीं है भाई, वो रहा, देखो भाई वो आ रहा है, तो इसको भी मार देते हैं सीधा, तो इसको भी मार दिया दोस्तों। अभी दोस्तों एक वो रहा, उसको भी मार देते हैं, उसके हेड शॉट मारेंगे, उसको भी मार दिया दोस्तों। अभी हम सीधा नीचे चलते हैं, मुझे लगता है सभी मर गए हैं, सभी ने तीन चार मर गए हैं, बाकी अंदर जाके मार देंगे, क्योंकि ये मेन गुंडे थे, इनके यही बता सकते थे बिग माफिया को। तो जल्दी से चलते हैं नीचे, देख सकते हैं हम उसके घर में घुस चुके हैं, तो सारे गुंडे को पता चल चुका है कि हमारे घर पर कोई गुंडा आ चुका है, तो इसको मार देते हैं, तो इसको मार दिया हमने। तो जल्दी से आगे चलते हैं, तो दोस्तों हमने सभी गुंडों को मार दिया मुझे लगता है, तो दोस्तों हमने जितने गुंडे थे सभी को मार दिया है। तो लेकिन जहाँ पर हमें बिग माफिया नहीं नजर आ रहा, वो कहाँ गया, यही तो बैठा था, गायब हो गया, जल्दी जल्दी पता नहीं भाग गया, उसको पता चल चुका, तो अभी हमें ढूंढना होगा उसको, तो जल्दी से उसको ढूंढ लेते हैं। मुझे लगता है ये जहाँ पर कोई काम कर रहा था, लेकिन जहाँ पर तो कोई काम नहीं कर रहा, ये रहा दोस्तों, देख सकते हैं दोस्तों, जो बिग माफिया जहाँ पर छुपा है, लेकिन ड्राइवर किसी को नहीं छोड़ता, तो इसको भी ले जाते हैं यहाँ से, और हमारी गाड़ी की डिक्की में इसको बिठा लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, जो ड्राइवर है कितना खतरनाक काम कर रहा है, और इसको भी गाड़ी की डिक्की में बिठा लिया, अभी हम सीधा इसे ले जाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है हमें इसको कहाँ लेकर जाना है, तो जहाँ भी जाएंगे हम ले जाते हैं इसको, तो जल्दी से इसको ले जाते हैं जहाँ से, हमें एक लोकेशन बताई गई है वहाँ पर, दोस्तों हम पहुँच चुके हैं, देख सकते हो रात हो चुकी है, हमें इधर की साइड जाना है। तो दोस्तों अभी हम बिल्कुल पहुँच ही गए हैं, हमारी गाड़ी यहाँ पर खड़ा दी है, जो फ्रेंड ड्राइवर है वो बाहर आ चुका है, हमें सिर्फ माइकल और फ्रैंकलिन का इंतजार है कि वो कब आएंगे, लेकिन पूरा अंधेरा हो चुका है। तो दोस्तों देख सकते हो, एकदम से मौसम चेंज हो रहा है, आगे आगे जा रहा है मौसम, शाम हो चुकी है बिल्कुल, सूरज भी छिप चुका है, ये रहा देखो ड्राइवर गाड़ी के बाहर आकर बैठ चुका है,
जो बिग मामी है वो भी डिक्की में बंद है, और देख सकते हो माइकल भी यहाँ पर पहुंच चुका है। ये माइकल आ चुका है और फ्रैंकलिन आने वाला है, फ्रैंकलिन भी आ चुका है दोस्तों, देख सकते हो तीनों भी मिल चुके हैं। मुझे लगता है तीनों इसको मारेंगे। देख सकते हो जो बिग माफी है वो ये रहा, अब उसकी हालत देख सकते हो। तो जल्दी से हम इसको बंद कर देते हैं गाड़ी की डिक्की को, और इसको नीचे फेंक देते हैं। देखो दोस्तों इसको मारने में कितना मजा आ रहा है। तो बिग माफिया को दोस्तों फाइनली हम मार रहे हैं, देख सकते हो। तो दोस्तों बिग माफिया को हमने मार दिया, देखो वो मर गया बिग माफिया, लेकिन इतनी आसानी से क्यों मर गया, कोई धमाका भी नहीं हुआ। तो देख सकते हो दोस्तों जहाँ पर धमाका भी हो चुका है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक एंड शेयर जरूर करें, कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि हम आपके लिए ऐसे और सीरीज लाते रहें।